सो हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि एप्पल पे वॉलेट क्या है और एप्पल पे वॉलेट के क्या क्या फ़ायदे हैं और ये किस तरीके से काम करता है और इंडिया में ये काम करता है या फिर नहीं करता है। अभी आप लोग चेक कर सकते हो, मैं जो कि इंडिया में हूँ और इंडिया में जो कि यहाँ पे मान लो मेरे को अपना डेबिट कार्ड ऐड करना है, तो गाइज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर जो कि मेरा यहाँ पर वर्क कर रहा है, इंडिया में हूँ फिर भी, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि भाई इंडिया में किस तरीके से काम कर रहा है। और गाइज़ यहाँ पर मैं इसके जो कि पहले तो सबसे मैं बता दूं कि भाई एप्पल पे है क्या, ठीक है। तो गाइज यहां पे मैं बता दूं कि एप्पल पे आपका जो कि एक ऑनलाइन वर्चुअल वॉलेट है, जैसे कि आप लोग अपने जेब के अंदर भी एक वॉलेट रखते हो ना गाइज, वो जो कि आपका फिजिकल वॉलेट होता है। तो गाइज उस फिजिकल वॉलेट में आप क्या क्या रख सकते हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैसे हो गया, आपका टिकट हो गया और भी बहुत कुछ होते हैं ना गाइज, वो सब आप जो कि रख लेते हो अपने बटुए में। उसी तरीके से जो कि है एप्पल पे वॉलेट भी एक बटुआ हुआ जो वॉलेट जिसको आप कह सकते हो, और इसमें जो कि है आप अपने मोबाइल के अंदर ही अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, स्टेट आईडी होता है, जो अपना बस का ट्रेन का टिकट वगैरह होता है, और जो अपना डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, और अपना जो और यहाँ पे एक फ़ायदा और दे रहा है एप्पल इसमें, जो कि एप्पल भी अपना आपको जो कि एक क्रेडिट कार्ड दे रहा है जिसको कि एप्पल कार्ड कहता है, ठीक है। उस क्रेडिट कार्ड का आप यूज़ करके बहुत सी चीज़ें जो कि शॉप वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, ठीक है। तो फ़ायदे में आपको जो इसके जो कि दो ही फ़ायदे हैं। तो पहला फ़ायदा क्या है, अगर एप्पल पे वॉलेट अगर आप यूज कर रहे हो ना, तो आपको एक फ़िज़िकल वॉलेट जो जेब में कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। और गाइस अगर आपका जो कि जेब में फ़िज़िकल वॉलेट नहीं होगा तो आपका जो जेब वगैरह काटना भी गाइस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा चोरों के लिए, ठीक है। तो गाइस अगर आपके पास एप्पल पे वॉलेट है तो आपको फ़िज़िकल वॉलेट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी चीज़ें आप अपने वॉलेट में रखते थे वो आप अपने फ़ोन में स्टोर करके रख सकते हो, और अगर आपसे कोई देखने के लिए ट्रैवल ट्रेन की टिकट कुछ भी देखने के लिए मांगता है, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह, तो सिंपली जो कि आप एप्पल पे वॉलेट से उसको दिखा सकते हो, ठीक है। और इसका जो कि है इसका जो वैल्यू भी दिया जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये तो चलिए मैंने आपको बता दिया पहला फायदा। अब दूसरा फायदा मैं यहां पे आपको ये बता देता हूं कि दूसरा फायदा जो सबसे बड़ा फायदा है ना गाइस, वो जो कि है अगर आप इससे कोई भी पेमेंट वगैरह करते हो ना, तो काफी जो कि है सेफ एंड सिक्योर होता है, ठीक है। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसका जो पेमेंट होता है ना वो NFC के थ्रू होता है। मतलब अगर मान लो आप किसी शॉप के पास शॉप पे गए और वहां पे आपने जो कि है सामान खरीदा, और जब आप पेमेंट करने जाओगे और एप्पल पे वॉलेट के थ्रू पेमेंट करोगे ना गाइस, तो आपको जो कि है जो शॉपकीपर है ना उसको अब कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप उसको कहोगे कि भाई स्वाइप मशीन दे, और यहाँ पे जो कि है स्वाइप मशीन के ऊपर बस आपको अपने फ़ोन को ऐसे टच करना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग टच करोगे ना, तो आपका जो फेस आईडी स्कैन होगा, मतलब आपके फेस आईडी के बगैर पेमेंट नहीं हो सकता, या आपके पासपोर्ट के बगैर पेमेंट नहीं हो सकता। जैसे ही फेस आईडी स्कैन होगा ना गाइस, आप पासवर्ड भरोगे तो बस आपका जो कि पेमेंट सक्सेसफुली अप्रूव हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। आपको जो कि अपना ना ATM कार्ड देने की ज़रूरत है, ना को कैश देने की ज़रूरत है, और ना ही कोई और चीज़ उसके हाथ में देने की ज़रूरत है, ठीक है। मान लो कि आप मानते हैं कि भाई जो नॉर्मल तरीके से आप लोग किस तरीके से पेमेंट करते हो, वही मैं आपको बताता हूँ कि भाई आप लोगों ने कुछ भी ख़रीदा शॉप से और वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई जो अपना जो ATM कार्ड दो हमको जो कि है आपके जो पेमेंट जो कि लेनी है मैंने, तो क्या करते हो आप लोग अपना ATM कार्ड उसके हाथ में देते हो। उसके बाद क्या होता है, वो ATM कार्ड को अपने जो स्वाइप मशीन होता है ना उसमें स्वाइप करता है। इससे क्या हुआ, स्वाइप करने से जो आपका ATM कार्ड की डिटेल्स थी ना, जितने भी CVV और ATM में जो डेबिट कार्ड में जितने भी नंबर होते हैं वो उसके मशीन में स्टोर हो गई, ठीक है, स्वाइप मशीन में स्टोर हो गई, सेव हो गई। उसके बाद क्या होता है, वो कहता है कि भाई पिन भरो, तो पिन भरते हो तो उसके बाद जो कि क्या करता है, वो पिन भी उसके मशीन में सेव हो जाती है, ठीक है। तो भाई इससे क्या होता है, इससे जो कि है सामने वाला जो कि आपके जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो भी आपका डाटा होता है ना ATM का, उसका वो गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, ठीक है। अब गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जब आपका जो ATM कार्ड उसने स्वाइप किया और पिन डाला, तो आपने तो पेमेंट कर लिया, आप तो घर चले गए, घर वापस आ गए, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर सकता है, वो आपकी जो
जो एटीएम कार्ड की डिटेल्स होती हैं उसको जो कि वेबसाइट पे बेच सकता है। बेचने से क्या होगा, बेच तो देता है, उसके बाद क्या होता है, जो हैकर्स होते हैं वो उसी वेबसाइट पे से आपकी जितनी भी कार्ड की डिटेल्स होती है ना उसको 10-15 रुपए में ही ख़रीद लेते हैं, और आपकी जो उसके ऊपर जो कि है जो आपका एटीएम कार्ड की डिटेल्स होती है उसको जो कि है हैक कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो कि है हैकिंग होती है बैंक अकाउंट्स की। तो इससे जो कि है अगर आप लोग एप्पल पे वॉलेट से करोगे तो भाई आपको जो कि उनके हाथ में देना कुछ भी नहीं है, सिंपली उनके मशीन के ऊपर ऐसे फ़ोन को लेके जाना है, टच होगा आपका फ़ोन उसके मशीन से, पेमेंट हो जाएगा। तो गाइस काफ़ी सेफ़ एंड सिक्योर तरीका है एप्पल पे वॉलेट से पेमेंट करना। तो भाई यहाँ पे मैंने आपके इसके जो कि फ़ायदे भी बता दिए, इसके किस तरीके से काम करता है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉल करने के लिए सिंपली जो कि अपने ऐप स्टोर पर जाओ, ऐप स्टोर पे जाके यहाँ पे जो कि आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। ठीक है, तो गाइस मेरा अभी यहाँ पे नेट नहीं चल रहा है। ठीक है, सिंपली जो कि आप इसको जो कि ऐप स्टोर से जो कि डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस देख सकते हो मेरा यहाँ पे नेट चल गया है, और यहाँ पे आपको लिखना है एप्पल पे वॉलेट। ठीक है, एप्पल वॉलेट भी गाइस सर्च कर दोगे ना तो ये आ जाएगा। ठीक है भाई, जो कि काफ़ी काम की चीज़ है, काफ़ी सेफ़ एंड सिक्योर है, और इससे जो कि आप लोग इंटरनेशनल पेमेंट वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जो कि मेरा नेट नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको इसमें से जाके दिखा देता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई इसमें कौन कौन सी चीज़ें आप जो कि इसमें ऐड कर सकते हो। पहले शुरुआत में बैनर लगा हुआ देख सकते हो, लिखा हुआ बोर्डिंग पासेस एंड टिकट एंड ऑल इन वन। ठीक है, ये एप्पल का जो क्रेडिट कार्ड खुद एप्पल देता है ये वो वाला है। और यहाँ पे आप लोग चेक करोगे लिखा हुआ ड्राइविंग लाइसेंस और स्टेट आईडी। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट वगैरह ऐड कर सकते हो। ट्रैवल कार्ड में ट्रेन टिकट वगैरह जो कि आप रख सकते हो, जो भी आपने बुक करके रखी हुई है और आपसे कोई देखने के लिए मांगता है तो उसको दिखा दो, भाई ये है मेरे पास। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वीज़ा का आपको जो कि कार्ड, इंटरनेशनल कार्ड जो कि यहाँ पर आपको ऐड करना है। ठीक है, तभी आपका एक काम करेगा। उसके बाद यहाँ पर ये अपना जो एप्पल का जो देता है वो मैं आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो गाइज़ यही था। अब बात करते हैं कि भाई ये इंडिया में जो कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं जो कि सीधा सीधा आपको बता दूं कि भाई अभी जो कि है NPCI ने जो कि इसको अप्रूवल नहीं दिया है। तो भाई आप लोग सोचोगे कि भाई ये मेरा जो कि इस तरीके से जो कि कैसे खुल रहा है। ठीक है कि भाई हाँ, मतलब आप लोगों का तो गाइज़ इतना भी नहीं खुलता होगा, ऐड कार्ड वगैरह करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेरे में आप लोग देख सकते हो कि भाई आ रहा है। तो गाइज़ उसके बारे में मैंने जो कि है मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि भाई ये मेरा जो कि एप्पल पे वॉलेट किस तरीके से इसमें काम कर रहा है, इंडिया में ये इसको अप्रूवल नहीं दिया फिर भी मेरा यहाँ पर काम कर रहा है। तो उसकी अगर आपको वीडियो देखनी है ना गाइज़ तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो गाइज़ वो वीडियो मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बता दिया कि भाई ये कैसे कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो गाइज़ वो वीडियो आप लोग जाके देख लेना, तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करना कि भाई इंडिया में किस तरीके से जो कि ये एप्पल पे वॉलेट काम कर रहा है ऐप। ठीक है, तो गाइज़ अब मैं आपको बता दूँ कि भाई इंडिया में इसको अप्रूवल क्यों नहीं दिया है, क्योंकि NPCI जो कि है अभी हमारा जो UPI को उसने अप्रूवल दिया है। NPCI ने अभी इस तरीके के NFC वाले को अभी तक जो एप्पल पे वॉलेट को मतलब अभी अप्रूवल नहीं मिला है, क्योंकि इसके जो कि शेयर्स वगैरह जो कि इसके मार्केट में जो शेयर्स वगैरह है ना गाइस वो बहुत मतलब लो, मतलब घटते जाए, मतलब समझ सकते हो गाइस जो कि शेयर्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा गिर गए हैं। तो गाइस अगर इसके शेयर्स वगैरह बढ़ेंगे ना गाइस तो जो कि बाद में क्या पता NPCI फ्यूचर में इसको जो कि अप्रूवल दे दे। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि भाई अगर आप लोगों को भी इंडिया में गूगल पे मान लो NFC वाला पेमेंट यूज़ करना है ना, तो गाइज़ आप लोग को क्या करना है, सिंपली जो कि है गूगल पे इंस्टॉल कर लो। ठीक है, तो गाइज़ सेम एप्पल वाला ही आपको सर्विसेज उसमें देखने को मिलेगा। उसमें भी क्या होता है, अगर आप लोग जो कि स्वाइप मशीन के पास ऐसे ले कर जाओगे ना गाइज तो आपका जो कि पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि गाइज जो कि है गूगल पे में भी जो कि NFC वाला फीचर जो कि है डाल दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो गाइज़ वो जो कि है जो बड़े बड़े फ़ोन होते हैं ना गाइज़ 35-40-50 हज़ार वाले, उसी में जो कि NFC सपोर्ट करता है। तो उसी में जो कि है ये आपको गूगल पे के ऐप के अंदर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसमें जाओ, और गाइज़ एक शर्त होती है गाइज़ गूगल पे में अगर आपको अपना जो डेबिट कार्ड ऐड करना है ना तो उसके लिए आपके पास जो कि है वीज़ा का डेबिट कार्ड होना चाहिए, तभी आप लोग जो कि ऐड कर सकते हो। फिलहाल तो गाइज़ जो कि एप्पल पे वॉलेट अभी इंडिया में वर्किंग नहीं है। अगर आपको NFC वाला पेमेंट का जो कि है मज़ा लेना है तो गाइस सिंपली जो कि आप गूगल पे का जो कि है यूज़ कर सकते हो, क्योंकि गाइस उस